प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि आपने सुना होगा, लेडीज जेंट्स में नसबंदी, तो आज यही टॉपिक है। परंतु लेडीज और जेंट्स से संबंधित नहीं है ये, आज संबंधित है जो हमारे पेट्स होते हैं, यानी कुत्ता और बिल्ली को लेकर के। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर विराम बासने, जो कि अलीगढ़ के वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर विराम बासने जी, आपका प्रभात खबर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे लेडीज और जेंट्स में नसबंदी होती है जी, तो क्या इसी तरीके से बिल्ली और कुत्ते में भी नसबंदी होती है? जी जैसे ह्यूमन में नसबंदी होती है, वैसे ही हमारे एनिमल्स में, खासकर पेट्स में, डॉग्स में और कैट्स में नसबंदी की जाती है, जिसमें मेल में अलग तरह की सर्जरी की जाती है और फीमेल डॉग में अलग तरह की। अच्छा, तो मेल डॉग और फीमेल डॉग में किस तरीके से अलग अलग होती है सर? देखिए, पहले तो मैं आपको एक दो टर्म्स जो होती हैं वो बता दूं, लोग कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जी जी एक टर्म होती है स्पेइंग, अच्छा, और एक होती है न्यूटरिंग, और एक होता है कैस्ट्रेशन। तो अच्छा, स्पेइंग का मतलब ये होता है कि किसी फीमेल डॉग में या कैट में यूट्रस और साथ में उसके ओवरी को निकालने को, अच्छा, उस प्रोसीजर को हम स्पेइंग बोलते हैं, जो कि फीमेल में होता है। दूसरा कैस्ट्रेशन या न्यूटरिंग जो शब्द यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है मेल में। मेल में जो है अंडकोश जो होते हैं, उनका ग्लैंड जो होते हैं, उनको वो निकाल के सर्जिकल उसे रिमूव किया जाता है, जिसे कैस्ट्रेशन प्रोसेस बोला जाता है। जी, तो ये सब दो प्रोसीजर होते हैं जो कि मेल कैट में, मेल डॉग में, और फीमेल कैट में और फीमेल डॉग में लोग करवाने आते हैं। अच्छा, जैसा कि अगर पहले बात करें जैसे मेल डॉग, जी तो उसमें क्या होता है सर्जरी में, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेल डॉग में क्या होता है कि उसके जो टेस्टिकल्स, जिसे हम अंडकोश बोलते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, हटा देते हैं। जी हाँ, सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू से एक हल्का सा इंसीजन आता है, वहाँ जी से जी निकाल देते हैं, और हाँ उसके बाद उसका कैस्ट्रेशन वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। जी, अच्छा, फीमेल डॉग फीमेल में, फीमेल कैट में या फीमेल डॉग में यूट्रस और ओवरी निकाल दी जाती है, जिससे वो आगे कभी भविष्य में बच्चे उनके नहीं हो पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पेट में जो नसबंदी का समय होता है वो सही समय क्या है? देखिए, पेट्स में अगर कोई, अगर अपने पेट्स का अगर भविष्य में अपने उनसे बच्चे नहीं लेना चाह रहा है, तो सही जो समय होता है वो 6 महीने के आसपास होता है। 6 से 9 महीने के बीच में आप अपनी फीमेल या मेल डॉग का आप कभी भी उसे सर्जरी करवा के आप उसकी नसबंदी करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे 6 से 9 महीने आपने बताया, अगर उससे ज़्यादा का जैसे होता है तब क्या कोई परेशानी आती है? देखिए, ऐसा है, परेशानी तो कुछ नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे समय उम्र बढ़ती जाती है तो कॉम्प्लिकेशन बॉडी में ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाते हैं। तो सही समय तो यही है कि आप, अगर नहीं आपको आगे उनसे बच्चे लेने हैं तो आप इस टाइम की ड्यूरेशन के बीच में करा लीजिए, नहीं तो ये साल भर के बाद भी हो सकता है। ऐसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, बट जब वो अपने अडल्ट एज में पहुँचने से पहले अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़ आसानी से जाता हो है। जाता है। जी अच्छा, जैसे कि नसबंदी से फायदे क्या हैं? देखिए, नसबंदी के फायदे ही फायदे हैं असल में। एक तो जो पॉपुलेशन आप देखते हैं, उसका एक तो मेन चीज़ है पॉपुलेशन कंट्रोल। दूसरा, ब्रीडिंग नहीं होगी तो पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी। दूसरा जो ये होता है कि जब डॉग्स की इतनी सारी जनसंख्या हो जाती है, तो आपने देखा है कि रोड साइड पर पिल्ले होते हैं, कभी रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कभी कोई कहीं बहुत मर रहा है, दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस तरह के होते हैं। तो इस तरह से हम बच सकते हैं। बाकी कुछ आगे भविष्य में, जैसे जो फीमेल डॉग या मेल डॉग होते हैं, उन्हें आगे जैसे अपनी उनकी टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, तो कई सारी की परेशानियाँ हो जाती हैं। जैसे कि फीमेल में जो मेमोरी ट्यूमर टाइप की डेवलप हो जाता है, अच्छा, मेल मेल में क्या होता है, उनका टेस्टिकुलर ट्यूमर टाइप का डेवलप हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो अगर आप इस समय से, अगर पहले आप, अगर आप अपने फीमेल डॉग या मेल डॉग का इनका आप कैस्ट्रेशन और स्पेइंग वगैरह करा लेते हैं, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अच्छा, इससे जो है नसबंदी से क्या उसकी सेहत पर भी कोई फर्क पड़ता है? सेहत सही रहती है या देखिए, स्वास्थ्य? सेहत तो बिल्कुल ओके ही, बढ़िया ही रहती है। और मैं तो ये बताऊंगा कि जब भी इस तरह के, जब कभी ऑपरेशन हो जाते जी, हैं डॉग्स में या कैट्स में, तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, मतलब और अच्छा जीवन का बढ़िया हो जाता है, अच्छा और स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ हो जाता है बढ़िया। अच्छा, ये जो नसबंदी होती है पेट में, जी तो ये कहाँ कराई जा सकती है?
संपर्क कहाँ किया जाए? देखिए, आप इस तरह के ऑपरेशन के लिए आप या तो अपने शहर में सरकारी अस्पताल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जी फिर प्राइवेट क्लिनिक पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ एनजीओ होती हैं वो भी इस तरह के ऑपरेशन वगैरह करा सकते हैं। तो आप इन जगह पर कांटेक्ट करके सही समय पे आप अपने इसका डॉग और कैट्स का अपना बढ़िया इसका नसबंदी करवा सकते हैं। तो यानी और कि जो शल्य चिकित्सक मतलब जो वेरीफाइड हो जी और जो रजिस्टर्ड हो, है ना? जी ये इस तरह की जो शल्य चिकित्सा जो करते हैं वो रजिस्टर्ड वेटरनरी सर्जन से ही आपको करवानी चाहिए, अन्यथा जरा सी गलती आपको पता है कि कई बार तो बड़े प्रॉब्लम अंजाम कर को दे सकते सकती हैं। है। अच्छा, नसबंदी सर्जरी में जब होती है पेट की तो लगभग कितना समय लगता है? देखिए, समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेल मेल में तो बहुत ही कम समय लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम उसमें लगता है, और जी फीमेल में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स का या 40-45 मिनट का टाइम लगता है। कोई ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं है, माइनर सर्जरी के अंतर्गत आती है। अच्छा, जैसे नसबंदी की सर्जरी हुई पेट में, तो उसके कितने दिनों तक पेट की देखभाल करनी पड़ती है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको एनिमल का तो नेचर मालूम है, जहाँ पर स्टिचेस लगते हैं या जहाँ से कट लगेगा तो उस जगह को बार बार चाटने की कोशिश करता है। जी तो जी कई बार क्या होता है कि बार बार लिक करने से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, हल्का सा पस फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है, तो इस तरह की थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह कई बार आ जाते हैं, तो उसके देखभाल रखना उसके पड़ता लिए देखभाल आपको करनी पड़ेगी। है। अच्छा, सर्जरी के बाद जो क्या क्या परेशानी हो सकती है अगर हम देखिए, बात करें? मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सर्जरी हुई उसके बाद आपको कम से कम 10 से 12 दिन बहुत ही अच्छी तरह से उसकी केयर करनी पड़ेगी, जी ताकि वो घाव जब तक अपने हिल नहीं हो जाता। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हाँ डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं वो अपने उस जख्म को बार बार चाटने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को आप इस तरह रोक सकते हैं कि एक उसमें ई कॉलर एक पट्टा टाइप का आता है गले में जो अच्छा डाल दिया जाता है, हाँ तो वो उसके नेक पर लगा दिया जाता है। तो उससे हाँ क्या होता है, जो एनिमल होता है वो अपने जो सर्जरी वाले पार्ट को लिक नहीं कर पाता, तो हाँ उसे अगर अच्छा आप 10 से 12 दिन लगाएंगे और सही से अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई अपनी जो मेडिसिन सही समय पर करेंगे, तो मैं समझता हूँ 10 से दिन में बिल्कुल आपका जो एनिमल है बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो उन परेशानियों से बचने के लिए ये बिल्कुल सावधानी इस रखनी तरह की चाहिए। अगर आप देखभाल करेंगे और अपने पशु चिकित्सक से जो भी आपको बताते हैं अगर उस तरह से आप फॉलो करेंगे, तो 10 दिन में आपका एनिमल मान के चलिए बिल्कुल फिट हो रहेगा। अच्छा, जो ये पेट में नसबंदी की सर्जरी होती है, जी क्या ये हमारे पालतू जानवरों के लिए सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये माइनर सर्जरी के अंतर्गत आती है, तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं आता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह से सेफ सर्जरी है, और जो भी पेट्स रखते हैं और अगर वो फ्यूचर में उनसे अगर बच्चे नहीं चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्दी करवा लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो बॉडी में आते हैं उस तरह की समस्या उनके शरीर को में नहीं बनेंगी कभी भी। तो देखिए कि आज डॉक्टर विराम वासनी जी ने बताया कि जरूरी कितना है नसबंदी हमारे पेट के लिए, खासकर डॉग और जो बिल्ली हैं उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी वह फायदेमंद है, और आगे उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल में रहे उसके लिए भी वह फायदेमंद है। परंतु जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो सर्जरी है, यह जो रजिस्टर्ड जो शल्य चिकित्सक हैं पशु के, उन्हीं से करानी चाहिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसी ना आए जो हमारे पालतू जो जानवर है उसकी जान पे बनाए। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।